हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू स्लीपी क्लासेस. बिफोर मूविंग ऑन टू दिस वीडियो हियर इज़ अ लिटिल थिंग दैट वी वांटेड टू इन्फॉर्म यू अबाउट अब स्लीपी क्लासेस कंटिन्यूसली प्रेजेंट करता आ रहा है और बनाता आ रहा है अ नंबर ऑफ टॉपर्स जिनके लिए हमने जेन्यून कंट्रीब्यूशन की है टू प्रिपेयरिंग दैम विद कंटेंट आंसर राइटिंग डेवलपिंग दर्सनैलिटी एक्सेट्रा एंड इसी को और आगे लेके जाने के लिए हमने कोर्सेज डिवाइस किए हैं जो कि आपकी एंड टू एंड प्रिपरेशन को हासिल कर पाए एंड इसी के चलते हुए अगर आप पोलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन ऑप्शनल को प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप हमारा बैच फोर ज्वाइन कर सकते हैं फॉर यू पी एस सी ट्वेंटी ट्वेंटी फोर जहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है ऑफ टैकलिंग दिस ऑप्शनल अलॉन्ग विथ कंटेंट मंथली करंट अफेयर्स आंसर राइटिंग एज वेल एज अ टेलीग्राम सपोर्ट ग्रुप एंड मेंटरशिप की अपॉर्चुनिटी भी नाउ इम्पोर्टेंटली डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट्स आप ज्वाइन कर सकते हैं कोर्स को कि अगर आपको इवेलुएट करवाने हैं आंसर्स या नहीं जिसके लिए आपके पास विदाउट इवेलुएशन का कोर्स जो है अवेलेबल है देन इम्पॉर्टेंटली अगर आप चाहते हैं आपके आंसर्स भी चेक हो ताकि आप इम्प्रूव कर पाए अपने आंसर राइटिंग में और भी ज़्यादा तो आप विद आंसर इवेलुएशन का कोर्स जो है ज्वाइन कर सकते हैं टेंटली अगर अपार्ट फ्रॉम्यूएशन यू ऑल्सो वॉन्ट कि सिलेक्टेड ऑफिसर्स मेंटर करें आपके साथ स्ट्रेटेजाइज करें तो आप पी एस आई आर का मेंटरशिप ग्रुप जो है उसका भी पार्ट बन सकते हैं और स्ट्रेंथन कर सकते हैं अपने ट्वेंटी ट्वेंटी फोर या ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव की पी एस आई आर ऑप्शनल की प्रिपरेशन अब अगर आप अपियर हो रहे हैं फॉर्म मीन्स ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री ज़रूरी है कि आप अपने टाइम को बहुत ही बेहतरीन तरीके से यूटिलाइज करें एंड दैट इज वाई अनदर ईयर हम लेके आए हैं हमारा वास्टली सक्सेसफुल पोलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन स्पेशल प्रायोरिटी ग्रुप जो कि कम्बाइन करता है हमारे लाइफ क्रैश कोर्स को अलोंग विथ द टेस्ट सीरीज ताकि आप अप कर सके अपने पी एस आई आर ऑप्शनल की प्रिपरेशन में एंड मैक्सिमाइज कर सके अपना स्कोर इन मीनस ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री इसके अंदर आपको प्रोवाइड किए जाएंगे लाइव लेक्चर्स थ्रू अ फास्ट कवरेज ऑफ सिलेबस इन क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट साथ ही में वैल्यू एडेड मटेरियल भी होगा ऑफ इन पेपर वन एंड पेपर टू एंड में आपको चीट शीट्स भी अवेलेबल कराई जाएंगी साथ ही में इसके अंदर इंक्लूड होंगी हमारी ट्वेल्व टेस्ट सीरीज जिसके अंदर फोर हाफ लेन टेस्ट हैं सिक्स फुल लेथ टेस्ट हैं एंड दो स्पेशल डेडिकेटेड करंट इशूज़ बेस्ड टेस्ट भी हैं

साथ ही में दिए जाएंगे मॉडल आंसर्स, वीडियो सॉल्यूशंस एंड लाइव सेशंस ताकि आप भी बेहतर एनालाइज कर पाए कि पेपर को अप्रोच कैसे करना है साथ ही में दे विल आल्सो बी मेंटरशिप बाय सिलेक्टेड ऑफिसर कैंडिडेट्स एंड टेलीग्राम सपोर्ट ग्रुप जो कि आपके रेगुलर डाउट्स हो गए कोई इश्यूज हो गए उनके साथ डील करने के लिए भी बनाया गया है तो हिस्सा बनिए एस पी जी का एंड इंश्योर कीजिए दिस मीन्स इज द फाइनल मीन्स दैट गेट्स यू अर रैंक इन यू पी एस सी राइट नाउ लेट स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन यू विल बी अ रेकरेंट टॉपिक

जो आपके मार्क्स हैं फ्रॉम दी अदर पीपल राइट इवन इफ यू आर गेटिंग अ बेर मिनिमम ऑफ फाइव टू सिक्स मार्क्स अगर आपको कुछ भी ना आता होता उस क्वेश्चन में उसके बाद भी टू गेट हाफ अ नंबर एक्स्ट्रा अब इतने मार्क्स जो है लूज आउट कर रहे हैं राइट सो एंड दैट इज पर क्वेश्चन दैट यू लीव आउट तो देर इज अ नीड टू बैलेंस दैट क्राइटेरिया आउट नाउ वेन वी टॉक ऑफ डिक्लाइन एंड रिवाइवल ऑफ पोलिटिकल थ्योरी ऑब्वियसली वन ऑफ द फर्स्ट थिंग्स अगर हम स्ट्रक्चरली बात करते हैं स्ट्रक्चरली पहली चीज जो कि हमने ऑब्वियसली पॉइंट आउट करनी है इन दी इंट्रोडक्शन पार्ट इज वॉट एग्जैक्टली डू वी मीन बाय पोलिटिकल थ्योरी कि जब हम इस इतने बड़े कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं कि पॉलिटिकल थ्योरी का डिक्लाइन हो गया है उसके बाद एक रिसर्जेंस भी देखी जा रही है बट व्हाट इज इट दैट वी अंडरस्टैंड एज पॉलिटिकल थ्योरी अ बेयर मिनिमम बेसिक डेफिनेशन जो है इसके साथ आप शुरुआत कर सकते हैं इफ यू रिमेंबर अ डेफिनेशन दैट इज ग्रेट और यू कैन जस्ट पुट इट अक्रॉस इन योर ओन वर्ड्स देन इन द इंट्रोडक्शन पार्ट इट सेल्फ यू शुड स्टार्ट विद द डिबेट विद रिस्पेक्ट टू कि क्यों इस डिक्लाइन की बात की जाती है व्हाट आर द वेरियस रीजंस दैट कैन बी पॉइंटेड आउट क्योंकि अगर डिक्लाइन नहीं होगी जब तक डिक्लाइन नहीं होगी तब तक रिवाइवल नहीं आएगा द आइडिया ऑफ रिवाइवल इज दैट समथिंग गोज लो एंड देन इट कम्स अप राइट सो पहले यू नीड टू बी डिस्कसिंग दैट व्हाई देयर वाज अ डिक्लाइन एंड देन व्हाट थिंग्स वर करेक्टेड दैट इट अगेन लेड टू अ रिसर्जेंस राइट सो इवन इन योर बॉडी जैसे हम रोल्स में करते हैं ना कि उनके प्रिंसिपल्स में हम करते हैं एक लेक्सिकल प्रायोरिटी है द फर्स्ट कंडीशन हैज बी फुलफिल्ड फॉर द नेक्स्ट टू कम इन टू प्ले राइट वैसे ही आपके क्वेश्चन के लेयर्स के अंदर भी एक लेक्सिकल प्रायोरिटी होनी चाहिए राइट दट एवर द प्राइमरी एलिमेंट इज दैट इज से द कॉज एलिमेंट दैट हैज टू बी एड्रेस्ड बिफोर यू एंड ऑफ लुकिंग एट द नेक्स्ट पॉइंट राइट सो दिस आइडिया एक्चुअली हेल्प स्ट्रक्चर योर आंसर्स वन ट पहली चीज दैट यू शुड बी रिमार्किंग अपॉन इज कि आखिरकार डिक्लाइन आई क्यू right, varied reasons the of this decline. right, what led to the decline? before we can talk about what was the revival, what route did the revival take, and what has been the future course of action as far as political theory is concerned. now, this question i would regard as a, a relatively easy question, but in easy questions also two things to be borne in mind. One, जैसे कि मैंने बताया स्ट्रक्चर ऑफ द आंसर प्रायोरिटी जिसके बेसिस पे आप प्रोसीड कर रहे हैं एंड सेकेंडली एंड मोर इम्पोर्टेंटली पिकिंग एंड चूजिंग कंटेंट दैट यूलटिवली स्टैटिक क्वेश्चन राइट टू ओवर up राइट hitting great marks fabulous marks in a 10 marker but again as i said it shouldn't be at the Uh, cost of missing out on another question. So, both of these things to be kept in mind. What is the content that you will have to choose and what is the content that you let go of? Now, at the very outside in the introduction part, we look at political theory and what we've done is that we've used David Hell. Now, obviously, because I have prepared the answers, I can put it. Quote unquote. But even if you don't remember the entire ver wordings or in verbatim, it is okay if you can just unpack what David Held is saying or what he means by political theory. That is more than enough, right? So you can talk about how David Held के political theory basically is a network. इट इज अ वाइड रेंज ऑफ कॉन्सेप्ट जनरलाइजेशन जिसके बेसिस पे हमारी पोलिटिकल थ्योरी जो है ये ऑर्गेनाइज की जाती है विच मीन्स दैट इट कैन इंक्लूड आइडियाज इट कैन इंक्लूड द नेचर इट कैन इंक्लूड द पर्पज इन द वे इन विच द स्टेट द सोसाइटी इट्स ऑर्गन इन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है ये काम करते हैं विच एंड ऑफ इम्पैक्टिंग द पोलिटिकल लाइफ द पोलिटिकल केपेबिलिटीज ऑफ ह्यूम एट बेसिकली right, so एक ऐसे सेट ऑफ आइडियाप्टो की हर एस्पेक्ट ऑफ पोलिटिकल लाइफ ऑफ अट इन बी एट इन दवर्नमेंट बी एट इन दस्पेक्ट ऑफ लार्जर रनिंग ऑफ द स्टेट ऑफ द सोसायटी इन सबके लिए नंबर ऑफ जनरलाइजेशन थियोर बनाने के लिए यह पोलिटिकल थ्योरी जो है एक एफिशियंट रूट साबित होती है

के बेसिस पे जब हम उनकी एप्लीकेशन करते हैं, टू अंडरस्टैंडिंग पोलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लाइफ ऑफ गवर्नमेंट तो वो एट द डे क्या बन जाती है पोलिटिकल थ्योरी सो द कॉन्सेप्ट एंड द आइडियाज प्रोवाइडेड बाई थिंकर्स आर द वेरी कॉन्सेप्ट एंड आइडियाज विच बिकम एलिमेंट्स ऑफ फाउंडेशन फॉर पोलिटिकल थ्योरी सो दिस मीन दैट एज लॉन्ग एज वेस्टर्न पोलिटिकल एग्जिस्टेड जब से ही पोलिटिकल थ्योरी भी चलती जा रही है एंड दैट इज वाई जब हम पोलिटिकल थ्योरी को भी देखते हैं हम इसकी इसको जो है पढ़ना शुरू करते हैं हम देखते हैं कि पोलिटिकल थ्योरी को दो सेट्स में डिवाइड कर दिया गया मोस्ट ट्रेडिशनल अप्रोच टू पोलिटिकल थ्योरी And then there are what we regard as modern approaches to political theory. Right? आपकी जो ट्रेडिशनल अप्रोचेस टू पॉलिटिकल थ्योरी थी ये मेनली ऐसी अप्रोचेस थी जो कि आपके पुराने थिंकर्स का जो एक आइडिएशन था द वे दे दूस टू प्रोसेस एंड लुक एट पॉलिटिक्स था ये उस पर बेस्ड थी राइट सो वेन वी लुक एट द लीगल अप्रोच वैन वी लुक एट द हिस्टोरिकल अप्रोच वैन वी लुक एट द नॉर्मेटिव अप्रोच वेन वी लुक एट द इंस्टीट्यूशनल अप्रोच ऑल ऑफ दीज अप्रोचेज वर रिगार्डेड एज बींग एज बिलोंगिंग टू द ट्रेडिशनल Approaches. Now, these traditional approaches to political theory had dominated this entire discipline. So, when we talk of the decline of political theory, in fact, ironically enough, we will see two different reasons being pointed out and often in conflict with one another being pointed out as the reason for the decline of political theory. The first reason, which is pointed out, came from empiricists, came from the uh, uh, pioneers of what we come to call is behavioral revolution. Just basically, a foundation lay to the modern approaches in political theory, which rather than a more qualitative

दीज हेड ऑल्सो इम्पैक्टेड सर्टन सोशल साइंसेस और इन्हीं एलिमेंट्स को अब हम इनकॉर्पोरेट करके पोलिटिकल साइंस जो है बनाना चाहते थे बाय मेकिंग पोलिटिकल थ्योरी मोर रिगर्स राइट सोच कुछ जो चीजें हमने सीखी थी चाहे वो सोशियोलॉजी के एप्लीकेशन के अंदर हो चाहे वो साइकोलॉजी में हो चाहे वो इकोनमिक्स में हों तो ये एक इम्पेरिकल रिगर जो है अब हम पोलिटिकल साइंस के अंदर भी लाना चाहते थे तो डेविड ईस्टन का मानना था दैट दीज ट्रेडिशनल अप्रोचेस विच आइडिया ऑफ अ हिस्टोरिकल अप्रोच और द ऑफ हिस्टोरिसिज्म इसके कारण जो है पॉलिटिकल थ्योरी का डिक्लाइन आ रहा था अब ये हिस्टोरिसिज्म या ये हिस्टोरिकल अप्रोच थी क्या बेसिकली इसका आइडिया था कि यहां पे एक मेजर फोकस था इन द वे पॉलिटिक्स डेवलप्ड राइट जहां पर हम बस इनके ओरिजिन को देखते थे कि स्टेट कैसे फ्रूट अप हुआ एंड मोर ऑफ इन द नॉट ये एक डिडक्टिव ये एक इंडक्टिव या एक इम्पेरिकल स्टडी नहीं होती थी बट एक बहुत ही जनरलाइज डिडक्टिव मेथड होता था बेस्ड ऑन Often, जो इनका मानना होता था खुद के ही एब्रैक्ट तो आइडिया की बात करें एरिस्टोटल की बात करेंट और जनरलाइज थोरीज अब इनका मानना था कि कुछ जो मॉडर्न थ्योरिज थे पर्टिकुलरलीस द ब्लेम एड दीपल लाइक डनिंग लाइक सबाइन जिन्होंने इनका मानना था ईस्टर्न का हिस्टोरिसिज्म को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया देअर बाय एंडिंग अप पूरे के पूरे पॉलिटिकल थ्योरी एज ए सब्जेक्ट को एक बहुत ही नैरो अप्रोच एक बहुत ही नैरो मेथड के साथ जो है अप्लाई कर देना विच वॉज कंप्लीटली एब्स्ट्रैक्ट एंड नॉट रियली बेस्ड ऑन एनी साइंटिफिक मेथडोलॉजी अब Eastern ने जो है इसी चीज को और ज्यादा अनपैक करने की कोशिश की पहली चीज तो कहते हैं, और ट्रेडिशनल स्टडी ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी है दिस बिकम्स रिडल्ड विद व्हाट ही कॉल्स इज मॉरल रिलेटिविज्म इसका मतलब क्या है कि क्योंकि ये ग्राउंड अब काम नहीं हो रहा क्योंकि ये किसी इंडक्टिव साइंटिफिक अप्रोच पे बेस्ड नहीं है क्योंकि ये एक इम्पेरिकल एनालिसिस जो है नहीं अंडरटेक कर रहे हैं इन अंडरस्टैंडिंग द मेथड द रिगर द वर्किंग ऑफ द स्टेट द गवर्नमेंट इट्स इंस्टीट्यूशन पॉलिटिक्स इन जनरल व्हाट इज हैपनिंग इज दैट द सब्जेक्टिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोसाइटी एंड द स्टेट क्रीप्स इन द स्टडी ऑफ पोलिटिकल थ्योरी राइट right? तो जो भी मेरी एक प्रेफरेंस है मेरी एक वैल्यू टिल्ट है मेरी एक वैल्यू ओरिएंटेशन है उसको सूट करते हुए मैं एक थ्योरी बना देती हूं मैं एक पाथ बना देती हूँ कि अगर हम यही रूट अपनाते हैं दैट इज वेन एन आइडियल स्टेट कैन बी स्टैब्लिश एन आइडियल सोसाइटी कैन बी स्टैब्लिड और द गवर्नमेंट कैन फुलफिल द काइंड ऑफ फंक्शन दैट वी एर एक्सपेक्टिंग इट टू परफॉर्म राइट तो ये मॉरल रिलेटिविज्म जो है जिसको हम वैल्यूज बुलाते थे ये वैल्यूज जो है ऑब्जेक्टिव एक पोलिटिकल साइंस को एक ऑब्जेक्टिव साइंस बनने से रोकता था क्स्ट वेरी इंपॉर्टेंटली एज ही से प्रेवलेंस ऑफ हिस्टोरिकल अप्रोच जहां पे जो अंडरस्टैंडिंग ऑफ पॉलिटिक्स थी या स्टेट थी जो गवर्नमेंट थी इट वॉज लिमिटेड टू अ मोर हिस्टोरिकल ट्राजेक्टरी स्टेट ऐसे बना फिर यह हुआ दिन दिस है स्टोरी टेलिंग विच इज हैिंग राइट हाउ डिड इट हैपन why did it happen right this how and why has to be backed by what empirical studies inductive studies all of which were missing in the traditional approach however later on and again this jo david ke char points hai, this is based on his

on the other hand dusuri taraf se, even people like leo strauss etc came up and said that one of the reasons why all of this was also happening and there was a decline in, of political theory was the rise and dominance of this behavioral approach of empirical approach देन लुकिंग एट कि क्यों एक सिस्टम काम करता है या नहीं काम करता एंड जो भी एग्जिस्टिंग सिस्टम है रादर देन म्यूरली लुकिंग इनटू कि ये कैसे काम कर रहा है कैसे लोग वोट कर रहे हैं क्या उनके रेपीकाशन है वी शुड ऑल्सो बी डूइंग अ वैल्यू एनालिसिस कि क्या जो प्रेजेंट सिस्टम है इज इट गुड इनफ Is it actually fulfilling the moral demands and requirements of the society that it caters to? And if it is not, What direction should the system take?

कंप्लीटली वैल्यू न्यूट्रल होकर बैठ जाते हैं जस्ट हाउ द सिस्टम इज वर्किंग टूडे देन द इंटायर पॉइंट ऑफ सोशल साइंसिस इन पोलिटिकल साइंस स्टैंड कंप्लीटली डिफीटेड साथ ही में इनका मानना था दिस राइज बिहेवियरल अप्रोच हैज ऑल्सो लेट टू

उसके ऊपर ज्यादा फोकस करना आपने शुरू कर दिया है राधर देन द सब्सटेंस द एक्चुअल उसके ऊपर फोकस नहीं रहा है किस पे फोकस अब चला गया टेक्निक्स पे मेथड्स पे टूल्स पे अगेन इनका मानना था दैट दिस डिफीट्स द वेरी प्रमाइज ऑफ पॉलिटिक्स द वेरी प्रमाइज ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी जिसके कारण डिक्लाइन शुरू हो गया है पॉलिटिकल थ्योरी का इसी के ऊपर और एडिशन की एल्फ्रेड कोबान ने भी एल्फ्रेड ने भी अब यही कुछ आइडियाज आगे रखे इनका कहना था कि पॉलिटिकल थ्योरी जो है मॉडर्न टाइम्स में इस मिडिल ट्वेंटी सेंचुरी के अंदर एक क्राइसिस विटनेस कर रही है एक क्राइसिस एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस विटनेस कर रही है क्यों पहली चीजें कहते हैं अगर हम स्टेट और स्टेट की एक्टिविटीज को देखते हैं ना दिस वॉज ऑल्सो द टाइम यू हैव टू अंडरस्टैंड नाइनटीन फोर्टीज आपकी सेकेंड वर्ल्ड वॉर हैज कम टू एन एंड एंड यूर सींग द राइज एंड डोमिनेंस ऑफ अ नंबर ऑफ कम्युनिस्ट स्टेट्स, राइट सो द राइज ऑफ ऑपोजिशन टू द लिबरल डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क ये शुरू हो गया है कम्युनिस्ट स्टेट्स इन यूएसएसआर कम्युनिस्ट स्टेट्स आपके चाइना के अंदर राइट right? इन सब के कारण कोबान का क्या मानना था इन एरियाज में जो स्टेट है स्टेट इज द डोमिनेंट एलिमेंट जिसके कारण स्टेट रूल्स ऑन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ तो जो एक पॉलिटिक्स का ऑटोनॉमस रेलम होता था बियॉन्ड द स्टेट अब वो कंप्लीटली खत्म कर दिया गया है स्टेट स्टेट कंट्रोल्ड एंड नॉमिनेटेड बाय अ सिंगल पार्टी वो कंप्लीटली कंट्रोल कर रहा है लोगों की थिंकिंग को लोगों की लाइफ को सोसाइटी को सोसाइटल फंक्शन को लीडिंग अगेन टू द डिक्लाइन ऑफ योर पोलिटिकल थ्योरी देन वेरी इंपॉर्टेंटली ऑल्सो सेड

एट द एंड ऑफ द डे जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं एक तरह की टेक्नोक्रेसी जो है एमर्ज हो गई है चाहे वो कम्युनिस्ट सोसाइटी हो या लिबरल डेमोक्रेटिक सोसाइटी हो जहां पे जो इंटायर सोसाइटी है दैट हैज बीन रिड्यूस्ड टू फॉलोइंग द रूल्स द रेगुलेशंस व्हिच हैव बीन पुट फॉरवर्ड बाय ब्यूरोक्रेसीज एंड यही ब्यूरोक्रेसीज फ्रॉम योर बर्थ टू योर डेथ हर चीज जो है ये गवर्न कर रही है हर चीज़ जो है ये कंट्रोल कर रही है जिसके कारण अगेन द देंस एंड इंपॉर्टेंस ऑफ पोलिटिकल थ्योरी इज ऑन डिक्लाइन then, very importantly, another application that they did, especially with respect to these new revisionist states that were coming in, particularly communist states, was the rise of a large-scale military organization. jahape agar life controlled by the state. if you look at the first point, that there has been a huge-scale expansion of states' activities. Now, if there has been a huge scale expanse of state's activities, this means that the state is trying to control or regulate every aspect of human life. This also means that there is a greater tendency among human beings to be dissatisfied. राइट, right? बिकॉज़ जब हम स्टेट कर रहे थे जब हम ग्राम आइडिया ऑफ स्टेट देख रहे थे हमने क्या बोला था कि एक बफर ऑलमोस्ट टोटालिटेरियन टेंडेंसी उसके अंदर बनती जा रही है पर्टिकुलरली से कम्युनिस्ट सोसाइटीज में तो इसका मतलब क्या है state, जैसे कि लिबरल डेमोक्रेटिक कैपिटलिस्ट सोसाइटीज थी विच इज हाइडिंग बिहाइंड दिस बिग बफर ऑफ सिविल सोसाइटी यहां पे स्टेट क्या है ओवरटली अ ट्रांसपेरेंट है तो ऑब्वियसली टू कीप पीपल इन ऑर्डर व्हाट डू वी वी नीड नीड अ लार्ज मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन अ लार्जर कोअर्सिव फोर्स व्हिच कैन सबड्यू एनी सॉर्ट ऑफ डिसेंट व्हिच माइट राइज अगेंस्ट द स्टेट ठीक है तो अब ये कहते हैं कुबान कहते हैं कि इस रीजन के कारण भी देर हैज बीन अ डिक्लाइन इन का मानना था वेन वी लुक एट बोथ दिस्टमेंट ऑफ ब्यूरो स्टेट की एग्जिस्टेंस उसके कारण पोलिटिकल थ्योरी का डिमाइस हो गया है साथ ही साथ में अगर हम लिबरल डेमोक्रेटिक कैपिटल सोसाइटीज को भी देखते हैं यहां पर भी प्रॉब्लम आ गई है क्यों बिकॉज इन्होंने तो प्रोक्लेम कर लिया है बेस्ट पॉजिटिव possible way of organizing the government, we found the best possible way of organizing the society, which is what liberal democracy. If you've already reached the ideal, then हम और थ्योरी क्यों करे, है ना? हम तो पहुंच चुके best possible form पे, हमने God का जो एक word था, वो हमने discover कर लिया. So इसके कारण क्या होता है? ये कहते कि even liberal democratic societies के अंदर political theory was facing a decline, but because what now? अब इससे आगे हम क्या करें जो हमारा एंड गोल था टेक्निकली वो तो हमने अचीव कर लिए सो देर इज नो मोर लेफ्ट टू डू एज एज फार थ्योरी इज कंसर्न सो बिकॉज ऑफ बोथ दीज रीजन इनका मानना था कि पोलिटिकल थ्योरी के अंदर अब हम डिक्लाइन विटनेस कर रहे थे ड्यूरिंग दिस टाइम इनफैक्ट दिस आइडिया अबाउट डिक्लाइन इन द लिबरल डेमोक्रेटिक सोसाइटी वॉज बैक्ट बाय द वर्क ऑफ इसाया बर्लिन एज वेल एज से राइट जहां पर इन्होंने यही कहा ये कहते हैं कि देखिए क्लास ल पोलिटिकल थ्योरी की अगर डेथ हो गई है तो यह डेथ क्यों हुई है बिकॉज लिबरलिज्म जो है एक लिबरल डेमोक्रेसी जो है इसकी विक्टरी हैज बीन प्रोक्लेम्ड एंड देर दोलिटिकल थ्योरी हैज बीन अचीव्ड एंड सो पोलिटिकल थ्योरी वॉज नाउ फाइंडिंग इट सेल्फ इन दिस मेज ऑफ कंफ्यूजन दैट नाउ वट डू आई डू ठीक है सो बिकॉज ऑफ दिस रीजन ऑल्सो दे वॉज दिस डिक्लाइन इन पोलिटिकल थ्योरी जो कि हम विट इस कर रहे थे यही चीज जो है अगेन लियो हम पहले भी बात कर चुके हैं कि इनका मानना क्या था कि देखिए ये जो अलेजेड डिक्लाइन आया है दिस इज नॉट बिकॉज ट्रेडिशनल अप्रोच इज अ वेरी स्टोरिसिजम you know, इन्होंने पहले एंड गोल्स अपने आइडेंटिफाई कर रहे थे ये बहुत ही ज्यादा अच्छा सब्जेक्टिव थी इनफैक्ट द डिक्लाइन ऑफ पोलिटिकल थ्योरी हैज कम बिकॉज ऑफ दिस इम्पेरिकल अप्रोच हैज कम बिकॉज ऑफ दिस पॉजिटिविस्ट अप्रोच वाई बिकॉज जो एक रोल होता है पोलिटिकल थ्योरी का राइट वो कहते हैं अब बाकी जो जेनेरिक रोल्स है वो तो नेचुरल साइंस भी निभा रही है राइटर इफ यू लुक एट मेडिसिन मेडिसिन का क्या काम है लोगों की लाइफ बचाना ठीक है इंजीनियरिंग अगर हम कर रहे हैं उनके कुछ सर्टेन गोल्स हैं राइट कुछ इंस्टीट्यूशन कुछ एक से बेसिकली मे बी कोई आर्किटेक्चरल मॉवल्स बना देना इंफ्रास्ट्रक्चर बना देना कोई एक मे बी हार्डवेयर बना देना या सॉफ्टवेयर पे काम कर लेना पॉलिटिकल थ्योरी का एक जो नेचुरल एंड है वो नॉर्मेटिव इश्यूज के साथ डील करना है राइट नॉट जस्ट इन टर्म्स ऑफ के क्या एक स्टेट की ऑर्गेनाइजेशन कैसी होनी है बट द लार्जर आइडियल ऑफ ए गुड लाइफ टू ह्यूमन बीइंग आपने कैसे इंश्योर करनी है और अगर आप इन नॉर्मेटिव क्वेश्चन के साथ डील नहीं कर रहे हैं देन पोलिटिकल थ्योरी का कोई मतलब ही नहीं है राइट एंड देफो दिस ओवर्टली क्वॉन्टेड अप्रोच जो है दिस एज वॉट इज लेड टू द डेथ ऑफ पोलिटिकल थ्योरी इस टाइम पे डांटे जर्मीनो ने भी अपनी किताब निकाली जहां पे इन्होंने भी यही सेकंड किया कि देखिए ये जो पॉजिटिविज्म निकल के आया है इसके कारण डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी हो रही है पर एट द सेम टाइम जो आइडियलिज्म शुरुआत हुई हुई थी हम देखते हैं आइडियलिज्म का फादर हमें ऑलरेडी ही प्लेटो के थ्रू दिख रहा है राइट आइडियलिज्म बेसिकली इज ऑल्सो इंडल्जिंग इन हिस्टोरिसिज्म राइट right? क्योंकि ये टीलियोलॉजिकल है कि देखिए मैं आपको बता रहा हूं कि बेस्ट पॉसिबल स्टेट बेस्ट आइडियल स्टेट जो है in fact, Plato का main focus किस पे था? Ideal state की creation पे। था? की कि जो जो है, है है। है, वो कैसा state है? और उसे कैसे बनाना है? तो एक डिवाइस कर दिया गया है एंड वी रीच दैट आइडियल स्टेट राइट ये कहते हैं कि ये इवन दो शॉर्ट टर्म में दिस राइज ऑफ द डिक्लाइन ऑफ वैल्यू जजमेंट द डिक्लाइन ऑफ वॉट काइंड ऑफ गुड लाइफ टू इन्श्योर टू पीपल हैज लेड टू द डिक्लाइन ऑफ पोलिटिकल थ्योरी बट इन द लॉन्गर रन इस तरह का जो एक आइडियलिज्म है एक जो हिस्टोरिसिज्म है एक जो टीनियोलॉजिकल अप्रोच बता दी गई है जहां पर रिगार्डलेस और वेदर इट वर्क और नॉट हम आपको बोलना चाहते हैं कि हमने Key only to the best possible organization of life. This, in the longer run, has led to the decline of political theory. Why? Because such teleological approaches do not.

however again these questions of decline were rather short lived and 1970s onwards again a resurgence or a revival in political theory can be seen now very importantly 1970s in fact 1960s onwards he late 1960s onwards he this was the period when the focus also shifted from behavioralism to what we understand is post बिहेवियरलिज्म नाउ अ ग्रेट वे टू अंडरस्टैंड पोस्ट बिहेवियरलिज्म अगेन अप्लाय कॉन्सेप्ट जो कि हम बाकी जगह पढ़ते हैं लाइक पोस्ट बिहेवियरलिज्म में बी सीन एज अ गोल्डन मीन और लाइक अडल पाथ बिटवीन योर ट्रेडिशनल और नॉर्मेटिव अप्रोच एंड दूसरी तरफ हमारी बिहेवियरल या एम्पेरिकल अप्रोच ठीक है तो ये दोनों साइड के बीच में जो क्लैश चल रहा था राइट वी रियलाइज दैट स्टैंडिंग कंप्लीटली ऑन आइदर वन साइड इज नॉट फुलफिलिंग द गोल्स ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी इज नॉट लीडिंग टू डेवलपमेंट ऑफ फर्दर डेवलपमेंट ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी फर्दर एवोल्यूशन ऑफ पोलिटिकल थ्योरी एंड वॉट वॉज द वे आउट द वे आउट वॉज फॉर्म फाउंड इन द फॉर्म ऑफ पोस्ट बिहेवियरलिज्म और ये पोस्ट बिहेवियरलिज्म एक गोल्डन मीन की तरह आ गया अवॉइडिंग द एक्सट्रीम्स ऑफ बोथ नॉर्मेटिव अप्रोच एज वेल एज द इंपेरिकल अप्रोच दैट यस वी हैव टू ग्राउंड आर स्टडीज इन क्वांटिटेटिव एनालिसिस आल्सो, बट दिस डिज नॉट मीन दैट वी वैल्यू technique over substance very importantly this also does not mean that we limit ourselves only to describing the system as it is we have to right the idea the importance of praxis the idea the political theory has to lead to a call to political action right we're required to bring about a change to bring about transformation for something better right so that is why आती है जॉन रॉल्स की अ थ्योरी ऑफ जस्टिस एंड दिस इज सीन एज दैट वाटर शेड मोवमेंट वेन पीपल स्टैंड अप एंड रियलाइज येस पोलिटिकल थ्योरी इज बैक एंड बैक विद अ बैंक ठीक है तो यहां से दोबारा रिसर्जन पोलिटिकल थ्योरी जो है इसकी शुरुआत होती है एंड इंपॉर्टेंटली वी विल सी अ नंबर ऑफ थ्योरिस्ट चाहे वो रॉल्स की बात कर ले हम हम ओकशॉट ओक्षो, की बात कर ले चाहे वो हम नॉजिक की बात कर ले हायक की बात कर ले फ्रीडमन की बात कर ले इन सब की जो है थ्योरीज अब आगे निकल के आती है एंड इंपॉर्टेंटली ऑल ऑफ दीज थ्योरीज Understood and sought to ground themselves both in a qualitative analysis while also taking into consideration certain empirical approaches, tools, and methods that had actually been founded and grounded with the coming in of the behavioral revolution. So, in fact, these theories may be seen as the blooming of post behavioralism, which at the end of the day led to the revival of political theory as well. ट इज वाई जेरमीनो सेट दट इनकी थ्योरीज के अंदर अब एक स्टैंडिंग डेवलप हो गई थी दैट फॉर पोलिटिकल थ्योरी टू गो ऑन वी नीड टू बी कॉन्स्टेंटली इन डल्जिंग इन डायलॉग वी नीड टू बी कॉन्स्टेंटली इन डल्जिंग इन डिबेट ताकि वट एवर इज एग्जिस्टिंग फॉर नाउ जो भी थीसेज एग्जिस्ट करता है उसको हम क्वेश्चन कर सके उसे हम और ज्यादा सुधार सके उसे हम और ज्यादा इवॉल्व कर सकें ठीक है सो विद द राइज ऑफ नाउ पोस्ट बिहेवियरलिज्म विद द राइज ऑफ दिस आइडिया ऑफ ट्राइंग टू बैलेंस इंपेरिसिज्म विद नॉर्मेटिव थ्योरेटिकल एलिमेंट्स वी सी अ रिसर्जन इन पोलिटिकल थ्योरी ठीक है इसी चीज को जो है इसाया बर्ली ने भी अंडरलाइन किया कि देखिए एट द एंड ऑफ द डे कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी जो है इसको हम समझ नहीं सकते हैं विदाउट अप्लाइंग सर्टन फिलोसफिकल एलिमेंट्स टू इट टू अंडरस्टैंड वेदर इट इज मेकिंग ह्यूमन लाइफ बेटर और Worse. And that is why political theory, even when we claim liberal liberal democracy democracy, age Decline of of best possible form of government देखा था आज वो खुद ही एक इंटरनल क्राइसिस के थ्रू गुजर रहा है एंड सो दीपल पीपल लाइक फ्रांसिसोक्म दिक्टरी ऑफ लिबरल डेमोक्रेटिक मॉडल आ themselves Trying to indulge in a rethink, trying to indulge in how we can reformulate or better this. डेमोक्रेटिक अप्रोच टू बी एबल टू डी विद्युत न्यू काइंड ऑफ थेटिकल एलिमेंट कमिंग इन पर्टिक्यूलरली थिंग्स लाइक न्यू मार्क्सिज्म क्रिटिकल थ्योरी जिन्होंने अब जो कुछ मेन स्ट्रीम थ्योरीज थी जो कुछ सेटल थ्योरीज थी उनको क्वेश्चन करना जो है और ज्यादा शुरू कर दिया जिसके कारण जो एग्जिस्टिंग एंड नए प्रॉब्लम्स ऑफ ह्यूमन लाइफ एंड ऑर्गेनाइजेशन आ रही है चाहे वो इन टर्म्स ऑफ कल्चरल पॉलिटिक्स हो चाहे वो इन टर्म्स ऑफ इंटरसेक्शनलिज्म हो चाहे वो हम बात करते हैं इश्यूज ऑफ पेट्रिया की न्यू फॉर्म्स ऑफ फेमिनिज्म की ऑल ऑफ दीज इशू बिकेम पॉसिबल बिकॉज ऑफ द रिसर्जन ऑफ पोलिटिकल थ्योरी एंड ओपनिंग अप ऑफ न्यू ग्राउंड न्यू फील्ड सच एज क्रिटिकल थ्योरी विद इन राइट सो नाउ दिस रिसर्जेंस दिस न्यू रिवाइवल हैज अप अ न्यू लेंसेज जिनके थ्रू हम जो नए फिलोसफिकल इश्यूज़ इन ह्यूमन लाइफ निकल के आ रहे हैं अब हम नए टूल्स, नए थ्योरेटिकल लेंसेज बना रहे हैं टू बी एबल टू अंडरस्टैंड दो इश्यूज़ एज वेल एज ट्राई टू सजेस्ट मेकेजम्स ऑफ करेक्टिंग द सेम राइट एंड दिस इज हाउ द डिक्लाइन एन रिवाइवल ऑफ पोलिटिकल थ्योरी कैन बी पुट अट